प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इक्विटी मार्केट के अंदर अभी एक बड़ा करेक्शन आया है। बहुत से लोग इक्विटी मार्केट में ट्रेड भी करते हैं, हमारे बहुत से नियमित दर्शक हैं वो भी इक्विटी मार्केट में काम करते हैं, और अक्सर उनका मेरे साथ में एक प्रश्न भी होता है कि जब भी कोई बड़ा करेक्शन आता है तो उन्हें लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में मैंने कुछ समय पूर्व एक वीडियो आप लोगों को दिया था और उसमें मैंने कहा भी था कि दिसंबर माह के आसपास यानी नवंबर और दिसंबर में इक्विटी मार्केट की चाल कैसी रहेगी। मार्केट अप एंड डाउन करेगा, 1500 पॉइंट का करेक्शन आएगा, उसके बाद रिकवर भी करेगा और दिसंबर फर्स्ट वीक के बाद मार्केट स्टेबल हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा बड़ी मंदी या तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और फिर एक नया इवेंट जो शुरू होगा मार्केट में वो जनवरी फर्स्ट वीक के बाद होगा। दर्शकों, अमूमन ये इस समय पर इसलिए होता है क्योंकि FIs यानी बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इस समय पर अपने प्रॉफिट बुकिंग करके निकलते हैं बाजार से और क्रिसमस की छुट्टियां सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जनवरी माह के अंदर दोबारा से वो मार्केट में एंटर होते हैं और अपने पसंद के अनुसार खरीदारी करते हैं। इसीलिए इस समय पर मार्केट के अंदर आपको एक करेक्शन देखने को मिलता है और ये इक्विटी में भी होता है, कमोडिटी में भी होता है, सोने चांदी हर जगह। दर्शकों, इसी चीज को मैं आप लोगों को आज थोड़ा और डिटेल में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूं। जो पिछले 2-3 दिन की आप लोगों ने गिरावट देखी है, ये गिरावट 1-2 दिन में थम जाएगी और इसके बाद इसमें कुछ रिकवरी भी आपको देखने को मिलेगी। यानी मार्केट अभी एक तरफा ना मंदा है ना तेजी है, मार्केट अभी यही स्टेबल रहेगा। और खासतौर पर यदि मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो मार्केट अभी मार्च में जो इलेक्शन होने वाले हैं, या यूं कहूं कि आपको नए साल में जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उनके परिणामों तक मार्केट इसी तरह से ऊपर नीचे चलता रहेगा, स्टेबल रहेगा। ना ज्यादा मंदी उनको देखने को मिलेगी और ना ज्यादा तेजी आप देखेंगे, लेकिन मार्च के रिजल्ट के बाद में मार्केट में एक नया सिनेरियो क्रिएट होगा और वो मार्केट को अगले 4-6 माह के लिए एक नई दिशा देगा। दर्शकों, यदि आपको ध्यान हो तो मैंने मार्च 2020 में भी एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि इक्विटी मार्केट के अंदर अभी एक मंदी आएगी और आप लोगों ने उस मंदी को देखा भी कोविड के समय की। उसके बाद में मार्केट रिकवर भी हुआ और जब वो रिकवर हुआ उसके पीछे एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल के लोगों का अपना एक योगदान है, क्योंकि जब पूरे विश्व से पैसा बिजनेस से निकलता है तो कहीं ना कहीं वो स्विच जरूर होता है और यही कारण है कि वहां से आपने एक बहुत बड़ी तेजी का दौर मार्केट के अंदर देखा। और अभी भी मार्केट पूरी तरह से मजबूत हाथों में है, यह भी हमें दिख रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें आज इस मार्केट के लिए आपको अवश्य बताऊंगा यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो। दर्शकों, जिस तरह का माहौल अभी मार्केट में है, ऐसे में आपको यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ही मार्केट में रहना चाहिए। यदि आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो एक बात आप ध्यान रखिए, आपको मार्केट के अंदर निफ्टी के जो 50 शेयर हैं, इंडेक्स बेस्ड जो शेयर हैं, आपको उन्हीं में ट्रेडिंग करनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, इस चीज को जरा आप समझिए। निफ्टी के अंदर जो 50 शेयर हैं उनका एवरेज जो होता है वही निफ्टी इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे में यदि मार्केट के अंदर उन 50 शेयरों के अंदर मंदी आती है तो मार्केट में करेक्शन भी आता है और जब उनके भाव सुधरते हैं तो मार्केट में रिकवरी भी देखने को मिलती है। लेकिन उसके विपरीत और शेयरों के अंदर ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी मार्केट नीचे जा रहा है और कुछ शेयर ऊपर जा रहे हैं जो निफ्टी में नहीं है, ऐसा आप देख सकते हैं, या मार्केट ऊपर जा रहा है और वो शेयर नीचे जा रहे हैं, ऐसा भी आप देखते हैं। लेकिन यदि आप ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप नहीं मानते हैं कि मुझे तो ट्रेडिंग करनी ही करनी है, मेरा तो आज का खाना भी हजम तभी होगा जब मैं ट्रेडिंग कर लूंगा, तो फिर एक नियम बना लीजिए कि आपको निफ्टी 50 के अंदर ही ट्रेड करना है। ये आप लोगों के लिए ज्यादा सुरक्षित है, रिलायबल है और सटोरियों की पकड़ से आपको बचा के रखेगा। क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर, यानी मैं यहां पर इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूं दर्शकों, निफ्टी 50 के जो 50 शेयर हैं
उनमें से आप कुछ शेयरों को चुन करके एक पोर्टफोलियो बनाइए और उनमें आप ट्रेडिंग करना शुरू करिए, ये आपके लिए सेफ साइड है। दूसरे शेयरों के अंदर यदि इस समय पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और गलती से मार्केट के अंदर छोटा सा करेक्शन आया और ऑपरेटर ने अपनी पोजीशन को बदल लिया, तो आपको बाहर निकलने का मौका भी वो नहीं देंगे। ऐसे में अगर ट्रेडर हैं तो केवल निफ्टी के 50 शेयरों के अंदर ही ट्रेड कीजिए, पोजीशन जैसा चाहे वैसा बनाइए, स्टॉप लॉस के साथ बनाना चाहते हैं वैसे बनाइए, लेकिन कम से कम 5 या 7 स्क्रिप्ट के अंदर आप ट्रेडिंग करिए। ये नहीं कि किसी एक स्क्रिप्ट को चुन करके आप ट्रेड कर रहे हैं, 5 या 7 अलग अलग सेगमेंट की कंपनी को चूज करके फिर उसमें ज्वाइंट में एक पोर्टफोलियो बना करके आप ट्रेडिंग करिए। आपको 80% संभावना रहेगी कि आप लॉस में नहीं जाएंगे। प्रॉफिट भी लिमिटेड बनेगा, लॉस भी लिमिटेड होगा, लेकिन श्योरिटी रहेगी कि आप अपनी पूरी जमा पूंजी नहीं गंवाएंगे। यदि इस चीज का आप ध्यान रख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके दायरे के बाहर यदि आप जाकर के ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत संभल करके चलना है, क्योंकि मार्केट के अंदर अब इंडेक्स बेस काम कम होगा और स्क्रिप्ट वाइज काम ज्यादा होगा, यानी कि शिफ्टिंग होगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी। जिन चीजों के भाव उन्होंने बहुत ऊपर ले लिए हैं वहां से वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कुछ नए शेयरों में एंट्री डालेंगे। ऐसे में यदि आप ट्रैप हो गए तो फिर आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन निफ्टी 50 के शेयरों के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक कंपनी खराब परफॉर्मेंस देती है तो NSE फिर उनको, उस कंपनी को उस लिस्ट से बाहर करके नई कंपनी को उसमें ऐड कर लेती है। और यही कारण है कि निफ्टी 50 कभी भी आपको बहुत ज्यादा नीचे कभी दिखेगी नहीं। कारण मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मार्केट नीचे आया और कुछ शेयर हैं जो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्हें बाहर करके कुछ नए शेयरों को उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है और फिर उसके बाद में मार्केट वापस से रिकवर हो जाता है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो वही का वही रहता है। इसे यदि आपको मैं और अच्छी तरह समझाना चाहूं तो ऐसे समझिए, किसी जमाने में सुजलॉन निफ्टी 50 में हुआ करता था। जिस समय पर वो निफ्टी 50 में हुआ करता था, उस समय पर आपको उसके भाव पता होंगे क्या थे। पुंजलॉइड उस समय पर हुआ करता था, लेकिन आप देखिए आज उन कंपनियों के क्या हालात हैं और मार्केट उस समय के इंडेक्स को यदि आप देखेंगे तो आज कहां पर है, क्योंकि उसकी जगह पर कुछ और कंपनियां आ गई, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर निफ्टी चल रही है, लेकिन किसी समय पर निफ्टी 50 के अंदर जो शेयर्स थे आज उनके अस्तित्व ही संकट में है। इसीलिए इस चीज की गहराई को समझिए। अगर सुरक्षित निवेश करना है, ट्रेडिंग करनी है, तो फिर उसका दायरा यही होना चाहिए। दर्शकों, अभी दिसंबर तक मार्केट ऐसे ही चलेगा, मार्केट अभी नीचे है, 1-2 दिन में थोड़ा सा रिकवर होगा, ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन मार्केट इसी तरह से अपना रोल प्ले करता रहेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ट्रेडिंग से संबंधित, इक्विटी से संबंधित और मार्केट के आने वाले समय में उसकी क्या चाल ढाल रहने वाली है उसके संदर्भ में आपको एक प्रॉपर एनालिसिस दिया है, और इसमें मैंने ग्रहों का भी पूरा साथ लिया है। ऐसा नहीं है कि मेरा व्यक्तिगत आकलन है, ये मैंने ग्रहों के आधार पर उसको समझते हुए और फिर सारे टाइमलाइन को चेक करते हुए फिर आप लोगों के सामने ये एनालिसिस आपको दिया है। कृपया करके एक चीज का ध्यान अवश्य रखिए, क्रिप्टो करेंसी से अपने आप को बहुत जल्दी बाहर निकाल लीजिए, ये अभी भी समय है आपको बचाने का। नहीं समझे तो बाद में फिर पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।